अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, और कभी अपने सेहत को लेकर मैं परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो, और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बिठा पाया, कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही हो जाता। अजय बहुत दुखी होकर बोला, मैं जानता था यही होगा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ गए हो। बाबा बोले, अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? मैं पूरी रात परेशान रहा और मैं सो भी नहीं पाया। बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, और इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती, कभी कम तो कभी ज्यादा, पर समस्याएं तो रहेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। देखो बेटा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते ही खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, और बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी होती हैं बेटा, कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर देते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वह खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंट की देखभाल करने वाला तो कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। समझे पुत्र? ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद में खुद कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। तो दोस्तों, आपने भी देखा कि कितनी अच्छी सलाह दी है फकीर बाबा ने, तो क्यों ना इस सलाह को अपनी जिंदगी में लगाएं और अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदलें। धन्यवाद।